हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ हेल्प ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को एक नॉनवेज रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है हरियाली चिकन, या कह लीजिए इसे ग्रीन चिकन, क्योंकि इसमें मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर और पुदीने का पेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट हमारा 500 ग्राम मैंने ये बोनलेस चिकन लिया है, वॉश करके रख दिया है। अब हम लोगों को ग्राइंड करना है 2 मीडियम साइज़ का ओनियन 500 ग्राम्स के लिए, जीरा, साबुत जीरा 1 चम्मच, लहसुन की कलियाँ और अदरक, इन सबको हम लोग पहले ग्राइंड कर लेंगे। इसके बाद अलग से हम लोग ग्राइंड करेंगे धनिया की पत्तियाँ, 2 हरी मिर्च और पुदीना के पत्ते, इसको हम लोग अलग से ग्राइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे मैं बनाऊंगी कुकर में, इसलिए ताकि यह चिकन भी अच्छी तरह हमारा पक जाए और फटाफट बनकर तैयार हो जाए। तो सबसे पहले तेल डाल दिया है मैंने, ये 4 टेबल स्पून तेल है। रिफाइंड ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी अपने मनपसंद का तेल यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेज़पत्ता, ये है दालचीनी 1 टुकड़ा और 4 लौंग। ये देखिए, ये मेरा अच्छी तरह से ग्राइंड करके हो गया है प्याज, अदरक, लहसुन और जीरा, और ये अब मैं इसमें डाल दूँगी। पाँच मिनट के बाद बाकी पाउडर के मसाले और हम लोग ऐड करेंगे। इसको हम लोगों को 5 मिनट भून लेना है। 5 मिनट हो गया हमारा ये भूनते हुए। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ धनिया, पुदीना और ग्रीन चिली का पेस्ट मैंने बना लिया था वो। इसके बाद पाउडर मसाले, ये है चिकन मसाला, ये है गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर। इस चम्मच से मैंने 1 चम्मच गरम मसाला, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। और 5 मिनट अब इसको भी भूनेंगे हम लोग। उसके बाद इसमें हम लोग चिकन ऐड करेंगे। मसाला मेरा भून के 5 मिनट हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन, 500 ग्राम्स मैंने लिया था, धो के वॉश कर लिया था अच्छी तरह। और अब इसमें 2 चम्मच दही और इसको भी चलाते हुए हम लोग 10 मिनट भूनेंगे, कवर कर देंगे इसको और 10 मिनट स्लो आंच पे इसको हमें भूनना है। ये देखिए हमारा चिकन बिल्कुल भून गया है अच्छी तरह। ये देखिए इसका कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और अब हम इसमें 3 सीटी लेंगे, तो कुकर बंद करने के पहले इसमें मैं पानी लगा रही हूँ। तो अच्छी तरह चलाते हैं। आप चाहें तो हरियाली चिकन कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़रा कम लगता है, इसलिए मैंने कुकर चूज़ किया बनाने के लिए। और अब हम लोग इसको बंद कर देंगे। इस मग से करीब मैंने 1.25 मग पानी लिया था। आप स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर दीजिएगा, हमने नमक ऑलरेडी डाल दिया था। और अब हम लोग गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए 3 विसल लेंगे। ये देखिए हरियाली चिकन बन के बिल्कुल रेडी है, और मैंने इसको पुदीने के पत्ते से गार्निश कर दिया है। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी जो मैंने कुकर में बनाई? आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगले वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ एक और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।